तेलंगाना में 700 साल पुरानी बरगद का पेड़ मर रहा है। यहाँ बताया गया है कि यह सुंदर पेड़ जो 3 एकड़ से अधिक फैलता है और दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है को अनिवार्य रूप से जीवन में वापस लाया गया था। तेलंगाना में एक ड्रिप की मदद से एक 700 वर्षीय बरगद के पेड़ को जीवन भर में लाया गया था। समाचार के अनुसार दीर्घाओं से इसकी शाखाएं संक्रमित होती थीं। पेड़ को बचाने के लिए बेताब अधिकारियों ने कीड़ों को मारने के लिए पतले कीटनाशकों से भरी हुई सूखा डाल दिया। राज्य के महबूब नगर जिले में भव्य पेड़ 3 एकड़ में फैलती है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बरगद का पेड़ माना जाता है। एक प्रमुख पर्यटक प्रतिक्रिया, पेड़ को लोकप्रिय तेलंगाना में पिल्लाहारी या पीड़लामारी के लिए रूप में जाना जाता है। हालांकि पिछले दिसंबर के बाद से यह जनता के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके एक शाखाएं उग्र दीमक दुर्व्यवहार के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है, खतरनाक अधिकारियों ने लकड़ी के विनाशकारी कीड़ों से छुटकारा पाने के प्रयास में विशाल बरगद के पेड़ के हर 2 मीटर के लिए पतला रसायन क्लोरोप्रिफोस की सूप डाल दी। फोटो बताते हैं कि अस्पताल में एक रोगी के लिए एक हरा ड्रिप का प्रबंधन किया जाएगा। इस तरह के विशाल पेड़ को रासायनिक पदार्थों को नियंत्रित किया जा रहा है। हमने क्लोरोप्रिफोस के रसायन को पतला बना दिया और छेदों को रखने से इसे स्टेम में धकेलना शुरू कर दिया, लेकिन यह काम नहीं कर सका। समाधान तुरंत वापस आ रहा था। बाद में हम एक खारा ड्रिप जैसे समाधान इंजेक्शन लगाने लगे। हम जड़ें पतला समाधान के साथ दीमक को मारने के लिए पानी भर रहे हैं और एक भौतिक पद्धति में हम ढहते भारी शाखाओं का समर्थन करने के लिए ठोस ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। महबूब नगर जिला वन अधिकारी चूका गंगा रेड्डी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, पेड़ का स्वास्थ्य अब स्थिर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह कुछ दिनों के बाद सामान्य हो जाएगा। हम उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद जनता को साइट खोलने की भी योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बार लोगों को इसे दूर से देखना होगा, बाढ़ से अधिकारी ने कहा। महबूब नगर जिला कलेक्टर रोनल्ड रोज ने वृक्ष के पुनरुद्धार को निजी तौर पर निगरानी करने की सूचना दी है।